नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान से जुड़ी इस बड़ी खबर से। सायाहपुर में अमित शाह का पुतला जलाते वक्त समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जलने से बाल बाल बच गए। पुतले पर किसी ने पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। गनीमत रही कि धमाके के साथ पुतले में लगी आग के बाद तनवीर खान खास तेजी से पीछे हट गए, वरना यहां तनवीर खान के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करने के विरोध में समाजवादी पार्टी के लोग यहां अमित शाह का पुतला फूंक रहे थे। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने आज सुभाष चौक और सुभाष टावर का उद्घाटन किया। सुभाष चौक को अभी तक हथौड़ा चौराहा और सुभाष टावर को घंटाघर के नाम से जाना जाता था। कैबिनेट मंत्री ने कैरुगंज चौराहे के सौंदर्यीकरण के कार्य का भी आज शिलान्यास किया। इस चौराहे को अब अग्रसेन चौक के नाम से जाना जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने नगरवासियों को अतिक्रमण हटाने की भी अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं फिर उनके खिलाफ प्रशासन अपने तरीके से कार्यवाही करेगा। कैबिनेट मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कानून को लेकर लोगों को भड़काने वाले लोगों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने भारी पुलिस के साथ अचानक जेल में छापेमारी की। अधिकारियों की छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की बैरकों में गहन तलाशी की और खाने की गुणवत्ता को भी चेक किया। इस दौरान जेल प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। कैदियों को कानूनी मदद न मिलने पर कैदियों की शिकायत के बाद जेल अधीक्षक को निःशुल्क सरकारी वकील मुहैया कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम सेवक द्विवेदी ने कलेक्टर सभागार में शहर के बैंड वालों के साथ मीटिंग की। जिला प्रशासन की पहल पर शहर के सभी बैंड वाले 26 जनवरी को शहीदों से जुड़े स्थलों पर अपना बैंड से राष्ट्रभक्ति के गीत बजाकर राष्ट्रीय पर्व का जश्न मनाएंगे। गणतंत्र दिवस पर शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने आज 368 पुलिसकर्मियों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा को सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष पुलिस विभाग के मुखिया प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर तीन कैटेगरी में पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र में कटिया टोला निवासी नीर गुप्ता नाम की एक महिला को तीन ठगों ने ठगी का शिकार बना लिया है और लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। महिला ने ठगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। दरअसल नीरू गुप्ता शाहबाद जाने के लिए बस अड्डे पर खड़ी थी, तभी दो पुरुष और एक महिला उनके पास आई और बैंक की गाड़ी से शाहबाद जाने की बात कहकर उन्हें कार में बैठा लिया और रास्ते में तीनों ठगों ने नीरू गुप्ता से 2 लाख रुपए के जेवर ठग लिए और बदले में कंकड़ पत्थर दे दिए। पुलिस अधीक्षक ने खुडार व बंडा का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना कार्यालय मालखाना, CCTNS और अभिलेखों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही लंबित विवेचना, प्रार्थना पत्रों और विशेषकर महिला संबंधित अपराधों की विवेचना और शिकायतों को शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तिलहर में श्री रामकृष्ण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सौरभ गंगवार के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के बर्खास्त DSP देवेंद्र सिंह को कड़ी सजा दी जाए। समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर स्थित उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सौरभ गंगवार को मांग पत्र सौंपा है। संगठन ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए जम्मू कश्मीर के DSP देवेंद्र सिंह द्वारा आतंकवादियों को पनाह देने और चंद सिक्कों के लिए अपना जमीर बेचकर देश के साथ गद्दारी करने के लिए लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा है कि देश की जनता यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन और अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
उन्होंने सैनिक सम्मेलन के दौरान विभिन्न थानों और प्रकोष्ठों से आए हुए पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनके निराकरण के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए तथा ड्यूटी और जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा के साथ करने की भी नसीहत दी। जनपद में शांति और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लूट, चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराधों की विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारण व वांछित अपराधी NBW जिला बदर पैरोल से भागे और पुरस्कार घोषित अपराधियों को टीम बनाकर तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रभारियों को पैदल गश्त व चेकिंग करने, साइबर अपराध रोकथाम संबंधी प्रचार प्रसार, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान कई थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को राजकीय कार्य में अपेक्षित रुचि न लेने के कारण फटकार लगाते हुए भविष्य में सचेत रहने के कड़े निर्देश दिए। थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित करने हेतु संवाद करने के लिए क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिससे पुलिस कर्मियों को थाना स्तर पर आ रही समस्याओं का अविलंब निस्तारण किया जा सके। इसके साथ ही समस्त पुलिस कर्मियों को भी जनता के साथ संवाद करने हेतु निर्देशित किया गया। तिलहर में तैनात नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की सरकारी गाड़ी आए दिन खराब रहती है और अक्सर उनके कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात होमगार्ड गाड़ी में धक्का लगाते नजर आते हैं। आपको बता दें, तिलहर तहसील में इसी सरकारी गाड़ी से राजस्व की वसूली की जाती है। गणतंत्र दिवस पर किसी भी घटना को रोकने के लिए सायहापुर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। इसी के चलते IPS कुलदीप सिंह गुनावत के साथ भारी पुलिस बल ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और होटलों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस की टीम ने संदिग्ध लोगों की भी तलाशी ली। पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस की सुरक्षा तैयारियां पूरी हैं। महानगर के अजीजगंज मोहल्ले में पूर्व सभासद के घर सिलेंडर से आग लग गई, जिससे घर के बिस्तर, कपड़े और कीमती सामान जलकर राख हो गया। इस आग से घर के लिंटर में भी दरार आ गई है। दरअसल गैस एजेंसी से आए सिलेंडर में लगी रबर खराब होने के बाद यह हादसा हुआ। तिलहर कस्बे के मुख्य बाजार बिरियागंज में आए दिन जाम लगता है। यहां फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा रखा सामान व सड़क किनारे लगे ठेलों की वजह से अक्सर लंबा जाम लग जाता है, जिससे सड़क पर गुजर रहे राहगीरों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाम की समस्या से नगरपालिका, पुलिस और प्रशासन भी आंख बंद किए हुए हैं। विद्युत वितरण खंड पुआए के संविदा कर्मी आज हड़ताल पर रहे। 5 दर्जन से ज्यादा संविदा कर्मियों ने पुआए के हाइडल में धरना प्रदर्शन कर अपनी कई मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि समय पर वेतन न मिलने पर उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि सभी संविदा कर्मियों को EPF काटा जाए और उसकी रसीद भी दी जाए। थाना क्षेत्र निगोही के कबीरपुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक थाना तिरहर क्षेत्र के सतनुआ गांव का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भावलखेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती धूमधाम से मनाई गई। बच्चों द्वारा देशभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शिक्षक शिक्षिकाओं सहित बच्चों ने नेताजी के चित्र पर फूल माला पहनाया।